हेलो। अच्छा, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सब थोड़ी रिवाइज करके आए हो ना? मैंने कहा था वो सब कुछ रिवाइज करने के लिए पीछे वाला, क्योंकि कुछ नया नहीं करेंगे, सब पीछे जो किया उसे रिपीट होगा, जस्ट थोड़ा डिफरेंट रो। सो हम लास्ट क्लास में क्या किया था? कंडक्टर, राइट? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। समझे वो दिक्कत है क्या? कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, और कन्फ्यूजन वाला अच्छी बात है। तो आप सोच रहे हो, एक कन्फ्यूजन उसी बात, जो सोचेगा, जो सोचे ऐसा क्या कन्फ्यूजन होगा? तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है, उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा, मैंने क्लैरिफाई भी किया है, कुछ को बोला जस्ट वेट करो, मीन्स वो सोच रहे हैं। और सबको सोचना चाहिए, जब तक आप सोचोगे नहीं कोई कॉन्सेप्ट आपका अपना नहीं होगा। और आपको जो कन्फ्यूजन है प्रॉपर्टी में, जस्ट वेट फॉर वन मोर क्लास। लास्ट में पढ़ूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वहां पर मैं सबको जब समराइज करूंगा तब इसे मुझे क्लियर, बिल्कुल गारंटी देता हूँ, वहां पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ को दिक्कत है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसलिए वहां पे क्लैरिफाई करने की कोशिश किया। जब भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, आई एम टॉकिंग अबाउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अगर कोई बाहर भी चार्ज रखा हुआ है, कुछ सर्फेस पे चार्ज है, जितना भी चार्ज है सारे चार्ज को मिला के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो। अंदर तो कोई चार्ज होता नहीं कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर कोई चार्ज, नेट चार्ज होता नहीं है, राइट? सो एनीवे, मैं सब कुछ अगर पिछले क्लास में डील कर चुका हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया स्फीयर। अभी तक हमने कुछ लोगों को लगा कि मैं स्फीयर भूल गया हूं, मैं भूला नहीं था। चलिए मैं उसको अलग से टॉपिक लेकर पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं आपको सब कुछ पीछे तैयार कर दिया हूं। अब यहां पे हम सब कुछ एक ही साथ स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है, क्वेश्चन स्फीयर से ज्यादा आते हैं। अब हम एक बार बताएं स्फीयर का फील्ड, बाद में स्फीयर का पोटेंशियल, फिर कंडक्टर, फिर नॉन कंडक्टर, तो मजा नहीं आएगा, फिर नोट्स में हर जगह स्कैटर्ड रहेगा। अभी आप क्या करेंगे, अभी जितना स्फेयर्स का होगा सब कुछ आपको एक साथ पढ़ाऊंगा। मैं आपको पीछे सब कुछ बता चुका हूं, आपको तैयार कर चुका हूं, इसमें जितना भी कुछ यूज होगा। तो मैं हम जितना भी स्फेयर, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, कैविटी, नो यूनिफॉर्म, नो यूनिफॉर्म, सब कुछ एक साथ कर लेंगे, बिकॉज हम लोग सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल, सेल्फ एनर्जी, जितना कुछ होता है हम लोग एक साथ स्फेयर का पूरा पढ़ेंगे। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। हमारे पास दो तरह स्फेयर, कंडक्टिंग हुआ, नॉन कंडक्टिंग हुआ, ये तो स्फीयर हो सकता है ना। ओके, अब इस कंडक्टिंग में भी हो सकता है सॉलिड एंड हॉलो, इट कैन बी हॉलो एंड सॉलिड। नॉन कंडक्टिंग में भी होगा हॉलो सॉलिड। सो अल्टीमेटली हमारे पास चार स्फीयर है, हमको इस चार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो मैग्नेटिक स्फीयर, सॉलिड नॉन मैग्नेटिक स्फीयर। हमारे पास चार स्फीयर है, इस चारों को क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, अभी बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट। देन सेल्फ एनर्जी, उसकी अपनी क्या एनर्जी, मैं आपको बताऊंगा सेल्फ एनर्जी ऑफ दैट ऑल फोर स्फीयर्स। ये सारा हमको इस चारों के लिए पढ़ना है, ठीक है? ओके, और आपको बताऊं, जो लोग ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन में आपको वहां पे क्या होता है, वहां पे स्फीयर मेनली पढ़ना होता है, और सब कुछ सेम चलेगा। यहाँ पे है चार्ज पॉइंट वॉल्यूम, वहां पे है मास पॉइंट वॉल्यूम। जहां पे हम यूज करेंगे यहाँ पे के वन बाय फोर परसेंट, वहां पे तो इतना माइनस जी से, एवरीथिंग रिमेन सेम। इसमें बाइपोलर बोलता हूँ, ग्रेविटेशन में हो जाए टाइम माने देता हूँ, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेते हो ग्रेविटेशन का सब कुछ अपने आप होता है, सब कुछ कंप्लीट होता है। हम बोलते हैं ग्रेविटेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यह वाला पार्ट हो गया, और एक ग्रेविटेशन में पढ़ा था सैटेलाइट वाला पार्ट, वो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक चारों तरफ घूम रहा है। सो वो दोनों अगर मिला दें ग्रेविटेशन कंप्लीट, कुछ नया चैप्टर है ही नहीं। अब भी मैं आपको कहता हूं, मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप ग्रेविटेशन जाकर ट्राई करना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आज के क्लास के बाद। अगर ग्रेविटेशन ट्राई करना, इंटरनल प्रॉब्लम दिस दैट जितना होता है ग्रेविटेशन का ना, सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है? सो अब हमारे पास ये चार टाइप के स्फीयर हैं, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब इस चारों का हमको पढ़ना है। अब हमको यहां पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बताओ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इट विल डिपेंड ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या मास डिस्ट्रीब्यूशन पे? ऑब्वियसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मास पे बात डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में मास कहां से आएगा पिक्चर में, वो तो चार्ज की बात करेंगे,
अब बताओ इस हॉलो कंडक्टिंग में चार्ज कहां पे होगा? सरफेस पे। इसमें सॉलिड कंडक्टिंग में चार्ज कहां से होगा? अगर हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, एक कंडक्टिंग, इसको हमने चार्ज क्यों दिया? ये चार्ज कहां जाएगा? सरफेस पे। अगर सॉलिड कंडक्टर दे या हॉलो कंडक्टर दे, ये हॉलो है और वो सॉलिड है, अगर दोनों पे चार्ज क्यों दे, दोनों का चार्ज कहां जाएगा? सरफेस पे। अगर ये छोटा है दोनों पे चार्ज सिग्मा सेम होगा, आपके चार्ज पॉइंट रेडियस सेम होगा। अगर सेम हमने एक हॉलो, अगर आइडेंटिकल लिया हॉलो एंड सॉलिड कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, इफ यू टेक टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर, वन इज हॉलो अदर इज सॉलिड एंड चार्ज क्यू इज गिवन ऑन दैट, दोनों में चार्ज सेम या अलग अलग? सेम। दोनों का चार्ज 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज इन केस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर चार्ज यूनिफॉर्मली, यहां यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहां भी यूनिफॉर्म यहां पे देना पड़ेगा, कंडक्टर में अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहां पे हमको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया, नॉन कंडक्टर में हमने चार्ज को यूनिफॉर्म दिया है, खुद से दिया, ठीक है। सो अगर ये हमने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया यहाँ पे अपने आप, अगर हम कैसे यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ही होगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, चार्ज होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देगा। सो इस दोनों पे चार्ज सेम या अलग अलग? डिस्ट्रीब्यूशन सेम। अगर दोनों यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब कुछ सेम होगा, तो सेम में आ गया। अब तो हॉलो नॉन कंडक्टिंग, अगर नॉन कंडक्टिंग भी है और हॉलो है, इस पर हम चार्ज क्यों यूनिफॉर्म है, कहां पे होगा? सिर्फ सरफेस पे होगा, ये चार्ज हमने सरफेस पे ही देंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नॉन कंडक्टर है, हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, खुद से हम उसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर रहे हैं, चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। सो हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और हमारे पास एक सॉलिड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों पे चार्ज क्यों दिए? यहाँ पे चार्ज खुद से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। इस तीनों केस में चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे। यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया और इसमें अगर आइसोलेटेड है रेडियस आर, चूंकि स्फीयर है तो हर जगह आर सेम है, तो यहाँ पे अगर हम चार्ज क्यों देंगे तो इस सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट खुद से होगा। सो इस तीनों में चार्ज सेम या अलग अलग? सेम। मतलब इस तीनों के कारण जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पढ़ेंगे वो सब कुछ सेम या अलग अलग? सेम। हमारे लिए चार्ज अगर सेम है तो इलेक्ट्रिकल टर्म में ये तीनों सेम है, हमारे पास एक दो स्फीयर बचा, एक कैटेगरी में ये तीन आया, एक कैटेगरी में हुआ है, हमारे पास सिर्फ दो कैटेगरी है। इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं हॉलो कंडक्टर HC, सॉलिड कंडक्टर SC, हॉलो नॉन कंडक्टर HNC, सॉलिड नॉन कंडक्टर SNC। बस मैं आपको शॉर्ट में लिखूंगा, इसको कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैंने उसे नाम लिख दिया। अब हमारे लिए HC, SC और HNC ये तीनों एक कैटेगरी में होगा, बिकॉज चार्ज हैज बीन, इन तीनों केस में इफ यू गिव एक्सटर्नल चार्ज, चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन सरफेस, चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, राइट। और यहां पे चार्ज कहां होगा? वॉल्यूम। तो इसको अलग से पढ़ेंगे, हमारे पास अब दो कैटेगरी हुआ, एक कैटेगरी में कहां कौन सा आ गया? एचसी, एससी, एचएनसी, दूसरे में क्या आ गया? एसएनसी। अब वन बाय वन पढ़ते हैं सबके कारण, हम पहले इस कैटेगरी, हमारे पास अब रियल में कितने हो गए हैं? दो टाइप्स के स्फीयर, एक ये टाइप दूसरा वो। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इसका चार्ज पूरा वॉल्यूम में रहेगा कुछ रो, और इस पे क्या आएगा? सिग्मा। सॉलिड कंडक्टर में आपको कौन सा? सॉलिड कंडक्टर में क्या बस रो या सिग्मा? सिग्मा, पिछले क्लास में पढ़े थे। तो स्टार्ट करते हैं इस कैटेगरी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर सेल्फ एनर्जी। फर्स्ट है, और मैं यहाँ पे एप्लीकेशन गॉस लॉ का करूंगा, तो आपको ऑलरेडी मैं गॉस लॉ में बहुत ज्यादा टाइम दिया था, यहाँ पे थोड़ा फास्ट रहूंगा, मैं सब कुछ सिलेंडर में करवा चुका हूँ। सो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
हॉलो कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर स्फीयर्स, राइट। सो हमारे पास मान लेते हैं कि हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे हमने चार्ज क्यों दे दिया, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इनसाइड पॉइंट, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इनसाइड पॉइंट। So, माले पॉइंट ए, इसका रेडियस लेट्स अज्यूम रेडियस इज ए, सो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हमको किसी अंदर के पॉइंट पे निकालना है, मानते हैं इसका डिस्टेंस सेंटर से आर है, सो आर लेते हैं। इसको हम दो लॉजिक से कर सकते, ये हॉलो है, हॉलो कंडक्टर ने लिया, हॉलो कंडक्टर। अगर सॉलिड कंडक्टर होता, समझो दो लॉजिक से, और उस पे भी चार्ज क्यों दिए, सेम थिंग, इसका भी रेडियस ए है, दो लॉजिक में करूंगा, तो इसमें भी चार्ज कहां था, सरफेस पे। और अभी आपको बोला कि जो फील्ड होगा इसके कारण वही फील्ड ऊपर वाले कारण भी होगा, तो इसके कारण बताओ इस पॉइंट पी पे फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कल पढ़े थे पिछले क्लास में That electric field at inside at electric field in solid conductor या electric field inside conducting material is zero। तो यहां पर conducting material है कि नहीं है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता पॉइंट पी पे, जीरो। यहां भी क्या होगा, जीरो, बिकॉज दोनों सिचुएशन बिल्कुल सेम है। एक हमने लॉजिक से बोला कि हमको पता है कि जो फील्ड होगा सॉलिड कंडक्टर कारण वही फील्ड होगा हॉलो कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर कारण, हमने सॉलिड कंडक्टर कारण फील्ड निकाला अंदर के पॉइंट पे। तो लास्ट क्लास में डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड कंडक्टिंग बॉडी इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन इन कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज जीरो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केस में यहां पे फील्ड क्या होता, जीरो, तो फिर यहां पे भी क्या होगा, जीरो, बिकॉज दोनों केस बिल्कुल सेम है, चार्ज फंक्शन सिमेट्रिक है, एक डायग्राम है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी इज जीरो। दूसरा, इफ वी अप्लाई गॉस लॉ, हमने पॉइंट पी से पास करता हुआ एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, अगर यहां पर फील्ड होता तो स्फेरिकल सिमेट्रिक होता, बिकॉज स्फीयर पे चार्ज है, और वो कितना होता है, आउटवर्ड होता, कुछ होता तो हम लिखते हैं ई डॉट डी ऑन दिस सरफेस, ये मैंने कुछ सरफेस हुआ ना, इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कहां है, बाहर, क्यू इनक्लोज्ड क्या है, जीरो, चार्ज सारा सरफेस पे, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, व्हाट इज क्यू इनक्लोज, जीरो। अगर क्यू इनक्लोज जीरो है, अब हर पॉइंट पे ई सिमेट्रिक होता, और अगर कुछ ई होता तो हर पॉइंट पे ई का मैग्नीट्यूड सेम होता, और ई और डी में जीरो होता है, कोई इसको इंटीग्रेशन करवा ले सकते, सब कुछ आपको हम एक्सपेरिमेंट करवा चुके हैं, ई डी ए इंटू कॉस जीरो वन होता है, बस ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू जीरो, सो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सो ई जीरो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट इज जीरो। इसके अंदर इस स्फेरिकल जो हॉलो स्फेयर है, हॉलो कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर, इसके अंदर हर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। ये तो हमें पिछले क्लास में पता है, सॉलिड कंडक्टर स्फेयर भी होगा, इसके अंदर हर पॉइंट पे कंडक्टिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, राइट। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, अब इसका डिस्टेंस कुछ स्मॉल आर है, बाहर स्मॉल आर क्या है, वेरिएबल। तो अब हम लेते हैं बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, पॉइंट ए लाइज आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर का पॉइंट, सो विल अप्लाई गॉस लॉ। हम क्या किए, इस पॉइंट से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना लिया, और सिमेट्रिक के हिसाब से स्फीयर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना है, और ये पॉइंट ए है, इसका यहां से यहां डिस्टेंस स्मॉल आर है। अब हम इसके लिए गॉस लॉ लिखते हैं।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फ्रॉम सिमेट्री कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. अब फील्ड यहां पे क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड एरिया भी रेडियली आउटवर्ड. कहां कैसे बोल पा रहा है, सिमेट्री से, सिमेट्री से. सो हर पॉइंट पे ई और डी एंगल कितना है, जीरो. और सिमेट्री से अगर ई का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सिर्फ अगर यहां पे सिलिंड्रिकल प्रोपोर्शन से पैसे लेंगे जो हम लोग लेते थे सिलेंडर में, वहां पे सिमेट्री नहीं है इस स्फीयर से, उस सिलेंडर का सिमेट्री नहीं है, तो हर पॉइंट पे ई का वैल्यू सेम नहीं होता. अगर स्फेरिकल है तो स्फेरिकल सिमेट्री है, हम मोस्ट जो ई यहां होगा वही यहां होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इक्विवेलेंट है. इसके लिए यार ये दोनों पॉइंट में क्या अंतर है, ई का मैग्नीट्यूड सेम और ये डी एंगल जीरो. सो हमने यहां पे लिखा एक स्टेप लिखते हैं और सरफेस टू, सरफेस टू है मानते हैं मेरा ई इंटू डी ए इंटू कॉस जीरो इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. सो ये क्या हो गया, e इंटू कॉस जीरो वन इंटीग्रेशन ऑफ डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज कितना, इसके अंदर चार्ज क्यू है जो सरफेस पे चार्ज है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सो e इंटू डी ए क्या होगा, फोर बाय स्मॉल आर या ए. अरे यहां किसका एरिया होगा, स्पेरिकल कॉस सरफेस का, गॉसियन सरफेस में. बार बार बहुत बार कहा हूं, वी आर अप्लाइंग गॉस लॉ ऑन दिस सरफेस, तो हमने इसके हर पॉइंट पे ई लिया है और डीए में इसका एरिया है, इसका एरिया कितना मिल गया, स्मॉल आर. सो इसका एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई ए स्क्वायर मत कर देना, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सो ई इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए क्यू बाय आर स्क्वायर. सो ई क्या आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर. एक बार अगर पॉइंट चार्ज हम लगते इसके सेंटर पे, स्फीयर के सेंटर पे, ये मेरा ये था कंफर्म, इसको हम मिटा रहे, ये मेरा ओरिजिनल स्फीयर दिया हुआ था. अगर पॉइंट चार्ज वो इसके सेंटर पे रखते तो इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, के क्यू बाय आर स्क्वायर. मीन्स फॉर आउटसाइड पॉइंट दिस हॉलो स्फीयर इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज. जैसे याद है सिलेंडर में हमने देखा था अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था फॉर आउटसाइड पॉइंट सॉलिड सिलेंडर एक्ट्स लाइक अ लॉन्ग लाइन चार्ज केप्ट एट इट्स एक्सिस. सिमिलरली इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली ऑन अ स्फीयर देन फॉर आउटसाइड पॉइंट इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट इट्स सेंटर. इसको छापो, ये छाप लिए और आप लिख सकते हो इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकल सिमेट्री होना चाहिए, सिलेंडर का सिमेट्रिकल सिमेट्री था. सो इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली ऑन ए स्फीयर then for outside points it behaves like point charge kept at the center of a sphere. It behaves like point charge kept at the center of a sphere. Am I clear? So, अगर किसी sphere पे charge distributed है uniformly, sorry, uniformly symmetrically बोलो, uniformly symmetric ही है, but non-uniformly अगर symmetric distribution है, for outside point we can treat as a पॉइंट चार्ज केप्ट एट द सेंटर ऑफ स्फीयर. कोई डाउट नहीं. सरफेस पे फील्ड क्या होगा, सरफेस 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 पे फील्ड क्या होगा, वहां पे आर इक्वल टू, अब मेरा जो ई आया के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहां पे रख दो आर इक्वल टू ए, मतलब इसे जस्ट पास कर दो, परसेंटेज बनाओ, वहां से ई क्या आ जाएगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर एट सरफेस एट इंटर. अगर हमको सरफेस पे फील्ड निकालना है, सरफेस पे एट द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, हमको सरफेस पे फील्ड निकालना
हम क्या करेंगे, गॉस ना पेपर आएंगे जस्ट सरफेस के आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड एक गॉस ना पेपर बनाते हैं सरफेस के जस्ट आउटसाइड, और हम लोग क्या लिखेंगे बिल्कुल सेम स्टेप्स, E dot dA is equal to Q enclosed by epsilon naught. Again, E और dA में एंगल जोड़ेंगे, मैं बार बार नहीं बोलूंगा. अब एरिया ऑफ गॉस ना पेपर का 4 पाई a स्क्वायर, बिकॉज मेरा गॉसियन सरफेस का एरिया सब a है, बिकॉज गॉस ना पेपर ने सरफेस के जस्ट बार बनाया है. That is equal to Q enclosed by surface divided by epsilon naught. So what is E? E is Q by 4 pi epsilon naught a square. That is Q by a square. बस हमने R को दिया. एक तरीका ये. दूसरा, अगर हम यूज करें कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले तो यहाँ पे हर पॉइंट का सिग्मा सेम या अलग अलग सेम. अगर हमारे पास आइसोलेटेड स्पेस पे चार्ज क्यू दिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, तो हर पॉइंट पे सिग्मा सेम यूनिफॉर्म होगा. अगर किसी पॉइंट बी पे हमको फील्ड निकालना है, अगर कोई पॉइंट बी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होगा क्यू बाय 4 पाई ए स्क्वायर, चार्ज पॉइंट एरिया, टोटल चार्ज क्यू, एरिया इसका 4 पाई ए स्क्वायर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं. ओके, एक लोगों को दिक्कत था कि सर आपने जो बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर तो वो हर जगह सेम है, अलग अलग भाई, अगर डिपेंड करता है सिग्मा पे, हमने प्रेशर बताया वो था सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर हर जगह सिग्मा अलग अलग तो हर जगह प्रेशर अलग अलग, हर जगह फील्ड अलग अलग. मैंने आपको डिराइव किया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर सिग्मा सरफेस पे यूनिफॉर्म है एज इन दिस केस तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा. यूनिफॉर्म मींस मैग्नीट्यूड, नॉट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन तो आउटवर्ड एंड ऑनली आउटवर्ड. और अगर हर जगह सिग्मा अलग अलग होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा. जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखाए थे पिछले क्लास में कि उसका डेंसिटी अलग अलग था, जहां पे वो कर्वेचर कम था वहां सिग्मा ज्यादा था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी ज्यादा था. क्लियर? सो आ गया सरफेस पे क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, अंदर जीरो, और बाहर के पॉइंट पे के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर. सो अगर हमको ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा ही कुछ ग्राफ हम पहले बना चुके हैं सिलेंडर केस में, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, तो हमको पता है फॉर आर लेस देन ए जीरो है और आर इक्वल टू ए पे मैक्सिमम है, उसके बाद डिक्रीज करेगा वन बाय आर स्क्वायर से, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा के क्यू बाय ए स्क्वायर, सी ए राइट एज रेडियस ऑफ स्फीयर. उट और यहां पे ई ऑप्शन टू वन बाय आर स्क्वायर, इट बी एफ लाइक पॉइंट चार्ज. एम आई क्लियर? सरफेस पे जीरो नहीं है, सरफेस पे ये वाला आ गया है, सरफेस पे जस्ट सरफेस के जस्ट अंदर जीरो है और जस्ट बाहर आ गया. सो ग्राफ डिस्कंटिन्यूअस है, सरफेस पे आ गया के क्यू बाय ए स्क्वायर. एम आई क्लियर? So, ये हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेते हैं, फिर से एक लेते हैं, मान लेते हैं हॉलो कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर कुछ भी है, सॉलिड कंडक्टर होगा तब भी सेम दूंगा, आपको बार बार कोई जरूरत नहीं है सर, लेकिन फिर भी तो सर आप बार बार बोलते रहते हो, आज से लाचार. रेडियस ए है, हमने एक चार्ज क्यों दे दिया. अब बताइए अंदर के किसी पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा, क्लास में किए थे दो लॉजिक, फर्स्ट पोटेंशियल सेंटर, फर्स्ट पोटेंशियल पॉइंट को क्यू पाए, क्लास में किए हुए थे ना, बिकॉज चार्ज क्यू का सेंटर से डिस्टेंस हर पॉइंट डी क्यू का, हर पॉइंट चार्ज डी क्यू का सेंटर से डिस्टेंस कितना है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर के क्यू पाए. अब जब हर पॉइंट पे ई जीरो है अंदर, अंदर के हर पोटेंशियल सेम या अलग अलग, अंदर के हर पोटेंशियल सेम या अलग अलग सेम, एक तो ये लॉजिक. दूसरा, अगर ये सॉलिड कंडक्टर होता, तो आपको पता है कि सॉलिड कंडक्टर पूरा इक्विपोटेंशियल बॉडी होता है. अगर यहां पोटेंशियल के क्यू बाय ए आया तो इसके हर बॉड पॉइंट पे इंक्लूडिंग सरफेस पोटेंशियल क्या होगा के क्यू बाय ए, और दोनों तो सेम केस है, मतलब हर पोटेंशियल क्या होगा के क्यू बाय ए. सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट फॉर आर लेस देन ए या इक्वल भी दे दो, डजंट मैटर, आर देन इक्वल टू ए पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय ए। क्यों? एक वाले सेंटर से होता है, दूसरा वाले यहां से। अरे जब हर पॉइंट पे ई जीरो है, किसी पॉइंट पे ई जीरो है तो डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डीआर, मतलब जैसे मैंने ई साइन माइनस साइन छोड़ दिया था, बट आपको याद रखना है डीवी क्या होता है, माइनस ई डॉट डीआर। सो वी विल बी, अगर देखो डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डीआर जब यार हर पॉइंट पे ई जीरो है, एट एवरी पॉइंट ई जीरो डीवी जीरो के जगह से प्रूव किए थे। सो डीवी जीरो जो पोटेंशियल सेंटर पे, पोटेंशियल अंदर के हर पॉइंट पे, अगर ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये ए को पॉइंट है, सो वी ए इक्वल टू वी ओ इक्वल टू वी पी इक्वल टू के क्यू बाय ए। एम आई क्लियर? सो हॉलो कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर, इसके अंदर के हर पॉइंट पोटेंशियल सेम होगा, वो वही होगा जो सेंटर पे होगा, ठीक है। हम कब कर रहे हैं, जब शिक्षा में यूनिफॉर्म में भी कर रहे हैं, बाद में सब कुछ पढ़ेंगे, अभी शिक्षण क्या है यूनिफॉर्म। ओके नेक्स्ट, आउटसाइड पॉइंट पोटेंशियल सिंपल है, इसमें प्रूव भी नहीं करने वाला, एट आउटसाइड पॉइंट, यहां पे फिर से प्लस क्यू प्लस ले लिया हमने, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉइंट चार्ज क्यू ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर having radius A. We have to find electric potential at point B, which is distance R from the center of a sphere. So we know for outside point, this sphere behaves like a point charge. If it behaves like a point charge, so we know for outside point, earlier we proved in the electric field case, mein, for outside points, this sphere behaves like point charge kept at the center of a sphere, kept at the center of a sphere. So simply, अगर point charge है तो point charge अगर यहां पे q रखते हैं तो इसे का potential क्या होगा, kq by r, तो simply point charge formula लगा देते हैं, it will be kq by r. So outside potential क्या होगा, kq by R. So, अगर हम ग्राफ बनाए पोटेंशियल वर्सेस R का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस R, सो अप टू A इट्स अ कांस्टेंट एंड इट्स KQ बाय A. इसके बाद डिक्रीज करेगा, दैट इज KQ बाय R, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R. एम आई क्लियर? यहां तक है पोटेंशियल कांस्टेंट है, किसी पॉइंट में पोटेंशियल कितना है, KQ बाय A. और जब बाहर के पॉइंट पे बेस लाइक पॉइंट चार्ज, सो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r, सो v इज इक्वल टू क्या होगा, kq बाय r, सो इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r. कोई दिक्कत नहीं? ओके, अब आता है सेल्फ एनर्जी, थोड़ा इसको समझते हैं, जल्दी छापो यार, फटाफट करो. ओके मिटा रहा हूं. ओके अब आता है सेल्फ एनर्जी. सेल्फ एनर्जी नथिंग, एनर्जी कंटेंट बाय सिस्टम, उसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ सिस्टम. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, सेपरेट बाय डिस्टेंस, और एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका एनर्जी क्या है, के क्यू वन क्यू टू बाई ए, के क्यू स्क्वायर. मान लीजिए इसकी एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं ना, यहाँ पे पॉइंट चार्ज, यहाँ पे पॉइंट चार्ज, ये स्फीयर, ये इक्वेटर एंगल है. अब आपको हम आप बताए थे कि आप पेयर ले लो, अगर ये चार्ज वन है, टू है, थ्री है, वन से टू का पेयर लिए, रेडियस अगर इसका साइड ए है, सो गया के क्यू स्क्वायर बाय ए, फिर वन का थ्री से लेंगे तो के क्यू स्क्वायर बाय ए, और फिर लेंगे टू का
थ्री से आएगा के क्यू स्क्वायर बाई है, सो आ गया थ्री के क्यू स्क्वायर। और जिस समय आपको एयरपोर्ट से पढ़ा रहा था मैं, तो ऐसा क्यों लेते हैं वर्क डन टू फॉर्म द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हम इस पर अगर लेते हैं, अगर हमने इस पॉइंट चार्ज को क्यू को लाया, पहले कोई और चार्ज दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही चार्ज है तो हमें कोई वर्डन नहीं लेना पड़ेगा, कॉस्ट प्रॉब्लम वाला कोई नहीं है। अगर दुनिया में कोई और चार्ज था सिर्फ हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ पे लाया तो इसको रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, हमने एक पॉइंट चार्ज ले आया। अब हम दूसरा पॉइंट चार्ज अगर यहां से लाएंगे उसको ये रिपेल करेगा, और उसको जब हमको यहां से यहां लाना है तो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, v इनटू q, यहां पर ऐसा कितना होगा k q बाय a इनटू q, सो वर्क डन विल बी k q बाय a इनटू q। ये सब मैं आपको पहले करवा चुका हूं, दिक्कत है आप जाके वो लेक्चर देखो। मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिकल पर्सनैलिटी ऑफ सिस्टम इज सिंपली व्हाट एवर वी आर डूइंग वर्क टू फॉर्म दैट सिस्टम। अगर हमने बोला एक सिंपल एक सिंगल पॉइंट चार्ज था और कोई दुनिया में चार्ज नहीं है, इसको हमको यहां पर वर्डन नहीं करना पड़ा। अब एक चार्ज हमने रख दिया और दूसरा पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के यहां तक ला है, तो इस पॉइंट चार्ज को यहां से आने क्या वर्डन करना पड़ा, क्यू इंटू वी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, आपको बता चुके हैं। सो यहां पर आंसर कितना इन्फिनिटी पे, अरे वर्क होगा ना क्यू डेल्टा वी 100% इन्फिनिटी जीरो। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ए सिर्फ एक चार्ज है KQ by A, so वर्डन KQ by A into Q, अगर हमने इतना वर्डन किया एनर्जी ऑफ सिस्टम। अगर इसके बारे में बात करें, पहले हमने पॉइंट चार्ज लाया, दो पॉइंट चार्ज लाया नो वर्डन, जब ये पॉइंट चार्ज लाएंगे तो इस ये फोर्स ये चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसको लाने में हमको इतना वर्डन करना पड़ेगा, अभी हम बन बताया है तो यहाँ पे ला है। अब जब थर्ड पॉइंट चार्ज लाएंगे तो हमको इस दोनों के अगेंस्ट वर्डन करना पड़ेगा, ये भी रिपेल कर रहा है ये भी रिपेल कर रहा है, तो इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे क्या है के क्यू बाय ए, इसके कारण पोटेंशियल क्या है के क्यू बाय ए, टोटल यहाँ पोटेंशियल क्या है टू के क्यू बाय ए। टोटल पोटेंशियल ये है, तो हम जब इन्फिनिटी से कोई पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ पे लाएंगे तो हम वर्डन करना पड़ेगा क्यू डेल्टा वी, यहाँ पोटेंशियल इन्फिनिटी जीरो, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट टू के क्यू बाय ए, तो वर्डन बी टू के क्यू बाय ए इनटू क्यू, दैट बी टू के क्यू स्क्वायर बाय ए। ये सब रिविजन करवा रहा हूं, टोटल वर्क डन ये हो गया, दैट इज एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये मैंने डिटेल में आपको कराया हुआ है जब मैं पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैं पहले सब कुछ बता दिया। तो सिंपली एनर्जी ऑफ सिस्टम इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू फॉर्म द सिस्टम। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे चार्ज क्यू है, इसके सरफेस पे चार्ज क्यू है, और जब इसको हमने चार्ज क्यू दिया कुछ वर्डन करना पड़ा होगा। अरे इंफिनिटी हमने यहां पे टोटल चार्ज क्यू लाया और वो पॉइंट पे लगा पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें कितना वर्डन करना पड़ा, अगर हम उसको फॉर्म करने में वर्डन निकाल लें दैट विल बी एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, यस और नो। सो वी हैव टू फाइंड What is work done to form this system? वहां पर पॉइंट चार्ज क्यू लाने के लिए हम कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो इनिशियली इस पे कोई चार्ज समझो, यहां पर इनिशियली मानते हैं कोई चार्ज नहीं था। अब जैसे जैसे इस पे चार्ज आएगा इसका पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, यहां पे यहां पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाय, अभी देखें सारे पोटेंशियल क्या है के क्यू बाय ए, व्हाट क्यू इज द चार्ज ऑन दिस स्फीयर। So, इनिशियली चार्ज जीरो था, जैसे जैसे चार्ज आएगा चार्ज बढ़ के जीरो से कैपिटल क्यू तक जाएगा तो पोटेंशियल यहां पे चेंज होते रहेगा। सो हमको टोटल वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल लगातार चेंज कर रहा है तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर इज क्यू, नाउ वी आर एडिंग डी क्यू चार्ज ऑन दिस, सो व्हाट विल बी वर्क डन टू एड डी क्यू, इट विल बी के क्यू बाय ए इंटू डी क्यू। Am I clear? हमने अभी आपको बताया कि एनर्जी ऑफ सिस्टम इज टोटल वर्क डन फोर्स टू फॉर्म दैट सिस्टम। अब यहां पे जो सिस्टम को यहां पे लगा जब कैपिटल क्यू हम दे रहे हैं तो कैपिटल क्यू तो एक हम अगर दे रहे हैं तो लगातार जैसे जैसे चार्ज बिल्डअप होगा उसका सरफेस पे जैसे जैसे चार्ज आ जाएगा वहां सरफेस का पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, तो वर्क डन
अब हमको रिपेल करने वाला फोर्स बढ़ते जा रहा है, तो हमने मान लिया कि यहां पे किसी टाइम पे ये चार्ज यहां पे क्यू है और हमको यहां पे डी क्यू एड करना है। तो अगर डी क्यू एड करना है तो वर्किंग क्या होगा, के क्यू बाय ए इंटू डी क्यू का पोटेंशियल। यहां पे क्या हो जाएगा, के क्यू बाय ए। अब भी हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ऑफ हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज के क्यू बाय ए। तो डी डब्ल्यू ये है, तो व्हाट इज टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू बाय ए डी क्यू, क्यू कहां से कहां तक, जीरो टू कैपिटल क्यू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्या आया, के क्यू स्क्वायर बाय टू, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी, ये एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये एनर्जी किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, उसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है। सो यहां एनर्जी किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। और एनर्जी कहां फैला हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर तो जीरो है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके बाहर है। अभी हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर क्या था, जीरो। तो जो भी फील्ड है वो किधर है, बाहर। तो एनर्जी कहां फैला हुआ है, तो जो हमको एनर्जी ऑफ सेल्फ एनर्जी ऑफ सिस्टम आया 0.5 के क्यू स्क्वायर बाय ए, ये कहां से कहां फैला हुआ है, आर ए से लेकर इंफिनिटी। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, ये इसके बाहर। और एनर्जी किस फॉर्म में है, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी लाइट वेव है, दोनों फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जाके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी है, फील्ड एनर्जी इसको बोलते हैं, फील्ड एनर्जी वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, आर इक्वल टू ए टू इंफिनिटी, बिकॉज फॉर आर लेस देन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अंदर कोई एनर्जी नहीं है। Am I clear? Okay. अब इसे बताओ, अगर हमने प्लस क्यू बोला माइनस क्यू दिया, एनर्जी सेम या अलग अलग, हमने स्फीयर का रेडियस ए ही रखा और उस पर माइनस क्यू चला दिया, वी हैव हॉलो स्फीयर हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड रेडियस ए, माइनस 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 माइनस। अब बताओ इसकी एनर्जी क्या होगी, अगर फॉर्मूला से देखे, एनर्जी का फॉर्मूला था 0.5 के क्यू स्क्वायर बाय ए, प्लस या माइनस दो एनर्जी तो सेम ही रहेगा फॉर्मूला से। अगर लॉजिक से देखें, अगर यहाँ पे हम पहले माइनस डी क्यू चार्ज दे दिए, माइनस क्यू चार्ज था, और हमको यहाँ पे माइनस डी क्यू एड करना है, तो अभी भी जब इसमें डी क्यू चार्ज एड करेंगे वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव, बिकॉज ये माइनस क्यू इसको रिपेल कर रहा है भाई, तो हमको अभी भी पॉजिटिव वर्क नहीं करना है, एनर्जी का अभी सिस्टम का पॉजिटिव ही आएगा। सो यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू हुआ माइनस क्यू, एनर्जी ऑफ सिस्टम इज पॉजिटिव। एम आई क्लियर, अगर स्फीयर पे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, इसका सेल्फ एनर्जी क्या है, पॉजिटिव, बिकॉज दोनों केस में हमको रिपल्सन ही फेस करना है, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स विल बी पॉजिटिव, ये इधर रिपेल करेगा और हमारा वर्क फोर्स इधर लगेगा एक्सटर्नल फोर्स और हम ला भी रहे इधर ही, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव। और इसका फील्ड कुछ ऐसा होगा, तो इसका कुछ इस तरह से फील्ड ऐसा है, अभी भी एनर्जी कहां से कहां फैला हुआ है, ए टू इंफिनिटी, सो डजंट मैटर चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एनर्जी के टर्म में दोनों एनर्जी सेम है। क्लियर, सो ये हमने किसके लिए पढ़ा, हॉलो कंडक्टिंग हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, उसका हमने फील्ड हर पॉइंट पे निकालना सीख लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीख लिया और सेल्फ एनर्जी क्या होता है वो जान लिया, और एनर्जी कहां से कहां फैला होता है, आर इक्वल टू ए टू इनफिनिटी मींस आउटसाइड द स्फीयर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एस एन सी, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सो
लेट्स अज्यूम वी हैव अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, हम यूनिफॉर्म लेते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए, ठीक है, और चार्ज का वॉल्यूम क्या है रो। अभी हमने क्या लिया, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड हैविंग चार्ज पॉइंट वॉल्यूम रो। चार्ज पॉइंट वॉल्यूम कितना है रो, ओके। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इनसाइड पॉइंट। हम सब कुछ सेंटर में कर चुके हैं, मानते हैं कोई पॉइंट ए है, हमको यहां पे फील्ड निकालना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, मीन्स आर इज लेस देन ए। हमने इस पॉइंट से पास करता हुआ गॉसियन सरफेस बना दिया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। मेरा अच्छा फिगर नहीं बन रहा है, आप लोग अच्छे से देखना, ये डिस्टेंस आर, ठीक है। सो नाउ विल राइट गॉस लॉ फॉर दिस गॉसियन सरफेस। वन विल राइट E dot dA is equal to Q enclosed by epsilon naught. Again, from symmetry you can see E at every point on this surface will have same magnitude and will be normally out in outward direction because charge positive. So, यहाँ पे charge हर जगह क्या है? Plus 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 positive charge. So it will be normally outward. So, E को यहां से बात सकते हो, E into dA cos 0, लिख ही देता हूं, is equal to Q enclosed by epsilon naught. Cos 0 1, E का magnitude same, so this equal to Q by epsilon naught. अब एरिया किसका? स्फीयर का या गॉसियन सरफेस का? कितनी बार भाव का हूं? किसका एरिया? गॉसियन सरफेस का। इसका एरिया कितना है? R. तो हमारे एरिया का सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, सो ई इनटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यू हैव टू फाइंड इनक्लोज्ड चार्ज बाय दिस गॉसियन सरफेस। तो अगर चार्ज पर वॉल्यूम रो है, सो क्यू इनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू चार्ज पर वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज 4 बाय 3 पाई स्मॉल आर क्यूब। हमको निकालना है चार्ज इंक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कितना चार्ज है, चार्ज पर वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम रो इनटू 4 बाय 3 पाई आर क्यूब, उसको यहां पे पुट कर देते हैं। सो वी राइट ई इनटू 4 पाई आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू रो इनटू 4 बाय 3 पाई आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, सो ई इक्वल टू रो आर। यार मैंने आपको बोला भी था, मैंने आपको बोला था हमने तीन सॉलिड पढ़े थे, एक पढ़े सबसे पहले क्या पढ़े, सॉलिड सिलेंडर, वहां क्या था अंदर में रो आर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, फिर पढ़े सॉलिड प्लेट, वहां अंदर क्या था रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट और यहां रो आर बाय 3। तो सॉलिड प्लेट में रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉलिड सिलेंडर में रो आर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सॉलिड स्फीयर में रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। Am I clear? तो ये सब रिजल्ट याद आना चाहिए, जब प्लेट है तो अंदर था रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, जब सॉलिड सिलेंडर था अंदर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड था रो आर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और जब सॉलिड स्फीयर है तो फील्ड है रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। Am I clear? कोई डाउट? नहीं, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। So, हो गया अंदर के पॉइंट। अच्छा, क्योंकि आपको रोल टोटल चार्ज क्यू देता, अगर रहता इसका रेडियस ए है और टोटल चार्ज क्यू है तो रो क्या होता, रो इक्वल टू होता टोटल चार्ज बाय वॉल्यूम। अरे हाँ, नहीं, अगर क्वेश्चन में आपको यू हैव सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज एंड टोटल चार्ज क्यू एंड रेडियस ए, आपको क्यू दिया हुआ है, क्यू के टर्म में निकालेंगे तो रो ये हो गया That is equal to 3Q by 4 pi AQ. इसको यहाँ पे put कर दे, तो E equal to क्या होगा? Rho. Rho is 3Q by 4 pi AQ into
small r by 3 epsilon naught. 3 got cancelled. So it is q by. Look, 4 pi epsilon naught. This question is k q by a q into small r. So क्या हो गया k q by a q into small r. In terms of q. This is in terms of capital control charge q अगर दिया हुआ है. So you can say k q a r constant. So is proportional to r as we go away from the center of the sphere electric magnetic field increase. यहाँ पे देखो rho epsilon constant proportional to r. So inside solid non-conducting sphere electric field is proportional to r where r is distance of point from the center of the sphere. So इसमें भी proportional to r आया. So standard में आया था, plane में आया था, मैं सब बार बार repeat कर रहा हूँ. ओके अब हो गया ये इनसाइड पॉइंट ऑफ आउटसाइड पॉइंट ऑफ लिख लो यहां पे इनसाइड. अब आते हैं आउटसाइड पॉइंट. ठीक है फॉर आउटसाइड पॉइंट so we'll write electric field at outside point B कुछ इस पॉइंट पे. फिर से आर में वेरिएबल है जो कि डिस्टेंस है सेंटर से. हम इस पॉइंट से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं. ठीक है I have drawn a Gaussian surface passing through point B. So, हमने इस पॉइंट से पास करता हुआ एक Gaussian surface draw. और ये B का सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है small r. Now let's write Gauss law. E dot dA is equal to Q enclosed by epsilon. E dot dA क्या है q enclosed by epsilon naught. अब अगर सिमेट्री से हर पॉइंट पे E का मैग्नीट्यूड सेम है अलग अलग. सिमेट्री से इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे E का मैग्नीट्यूड सेम है अलग अलग. सेम एंगल जीरो डिग्री बाहर लिए सब कुछ रिपीट है. इंटीग्रेशन ऑफ dA इक्वल टू टोटल चार्ज मानते हैं इस पे q. टोटल चार्ज क्या मानते हैं q. फिर लोकेटर में दिखाएंगे. मान लिए टोटल चार्ज अरे स्फीयर पे जो चार्ज है इसके अंदर चार्ज है ना. इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या चार्ज है जो इस स्फीयर पे है बाइनोमियल चार्ज q. अब एरिया किसका स्फीयर का गॉसियन सरफेस का गॉसियन सरफेस का बिकॉज़ वी आर अप्लाइंग गॉस लॉ ऑन दैट सरफेस. सो इसका एरिया कितना होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर. सो e into 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर is equal to q by epsilon naught. So E equal to q by 4 by epsilon naught r square that is equal to kq by r square. Second, base like a point charge. Base like a point charge. I have studied in the study. If there is symmetrical charge situation in case of a sphere, base like point charge for outside points. If solid conductor or solid non-conductor, then matter. Point charge kept at the center of a sphere. क्या चांस आ रहा है तो kq by r square. और रो के टर्म में बात करें तो यहां पे रो को पुट कर देते हैं तो क्या होगा k रो कितना है रो इज q 3q by 4 by a q. रो क्या है 3q by 4 by a q right. So, हमको Q को हटाना है क्या बात है Q को लिखना है Q को लिखना है रो के टर्म में. तो Q क्या है दिस इज K. Q क्या होगा रो इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम इज 4 बाय 3 पाई ए क्यू बाय आर स्क्वायर राइट. K दिस इज चार्ज इनक्लोज बाय आर स्क्वायर. और K क्या है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन रो इनटू 4 पाई ए क्यू बाय 3 आर स्क्वायर
सो क्या बचा, रो ए क्यू बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एम आई क्लियर, कोई डाउट है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे ये होता है, यहां से आप आराम से क्यू को रो पैटर्न में रिप्लेस कर सकते हो। तो क्या आया, रो ए क्यू बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इनसाइड पॉइंट पे आया रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड पॉइंट पे रो ए क्यू बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। सरफेस पे निकालना है, पुट कर दो आर इक्वल टू, दोनों में रख दो। अब यहां रखोगे आएगा रो ए बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, हमें कोई वाला समझ ना, अगर यहां रखोगे आर इक्वल टू ए तो क्या आएगा रो ए बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, और जो हमने कहा था इनसाइड पॉइंट पे रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, हमें आर इक्वल टू ए तो क्या आएगा रो ए बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस विल बी रो ए बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। एम आई क्लियर? क्या बोला, यहां पे समर्थन ने अप्लाई कर सकते कंडक्टर नॉन कंडक्टर नॉन कंडक्टर। यहां पहली बात, यहां वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसलिए था, कंडक्टर के लिए। दूसरी बात, यहां रो है सिग्मा है, सिग्मा डिफाइंड है क्या, यहां चार्ज कहां है, वॉल्यूम में एरिया में, वॉल्यूम नहीं क्या, सिग्मा की बात कर रहे हो भाई, कुछ ही बोलते हो। So, हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट एंड आउटसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट पे प्रोपोर्शनल टू आर आया, आउटसाइड पॉइंट पे बेस लाइक अ पॉइंट चार्ज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। मैक्सिमम सरफेस पे रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सो इफ वी प्लॉट ग्राफ वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, ई वर्सेस आर, सो ई इंक्रीज लिनियरली, इट इज मैक्सिमम एट द सरफेस, और यहाँ पे वैल्यू है रो ए बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, आफ्टर दैट इट गोज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। अरे के क्यू बाय आर स्क्वायर था या रो ए क्यू बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था, कोई डाउट? और यहाँ प्रोपोर्शनल टू आर है, मैक्सिमम कहाँ पे है, सरफेस पे, अरे रो ए बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। एम आई क्लियर? कहीं जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर क्या है, जीरो, सिमेट्री भी है, सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, कोई डाउट है, नहीं पक्का, आगे बढ़ते हैं। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ रिपीट कर रहा है ना, बहुत आसान चल रहा है ना, राइट ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा सा अलग करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Due to S and C, solid non-conducting sphere, we have to find electric potential at any point due to solid non-conducting sphere. Okay, चल। So हमारे पास एक solid non-conducting sphere, ठीक है? अब हमको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, पहले निकालते हैं बाहर निकालते हैं। क्रॉल चार्ज क्यों बेटा, क्रॉल चार्ज कितना है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल चार्ज क्यों है, so we have solid non-conducting sphere of radius a and total charge q which is uniformly distributed over all its over its volume. We have to find electric potential at point b. Point b lies outside the sphere, so electric potential at outside point, electric potential at outside point. So, इसका डिस्टेंस r है, so r a से बड़ा है, तो सिंपल, फॉर आउटसाइड पॉइंट दिस स्फीयर बेस लेगा पॉइंट चार्ज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉन यूनिफॉर्म भी होगा, सिमेट्रिक स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा तो भी लेगा पॉइंट चार्ज, में बार बार भोंक रहा हूं, फॉर आउटसाइड पॉइंट पोटेंशियल बी जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज कैप्ट सेंटर ऑफ स्फीयर, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल बी के क्यू बाय स्मॉल r, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r. एम आई क्लियर? So, electric potential at point B will be KQ by R.
डाउट? नहीं? पक्का? सो क्या आ गया? के टू बाय आर। सो आउटसाइड पॉइंट सिंपल है बिकॉज वो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, तो उसके पोटेंशियल निकालने। अब आते हैं इनसाइड पॉइंट, ये थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन बहुत यूज होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एग्जाम में से बहुत क्वेश्चन आते हैं एट इनसाइड पॉइंट्स आर लेस देन एक। सरफेस पे क्या होगा? के क्यू बाय, सरफेस पे क्या होगा? के क्यू बाय ए। पहले बोलता हूं पोटेंशियल एट सरफेस, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है ओ, ये पॉइंट पी, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा? इसमें कोई दिक्कत बनाओ पे आर इक्वल टू ए रखिए। अरे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? कंटिन्यूअस था। सो सरफेस पोटेंशियल क्या होगा? अगर बाहर लाख फॉर्मूला में उसमें आर इक्वल टू ए रखते, पोटेंशियल क्या गया? के क्यू बाय ए। द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्टेट। ठीक है, ओके। अब हमको अंदर का सीक्वेंस निकालना है, अंदर 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 यहां हमको निकालना। ये पॉइंट मान लेते हैं ए, और इसका इससे डिस्टेंस स्मॉल आर है। अब ध्यान देना, अब कैसे निकालेंगे? हमको पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दो, हमको हर पॉइंट पर ई मालूम है, ई है डेली आउटवर्ड इसके लो। ई किधर है? ओ से पी की तरफ। ई मालूम है अंदर के पॉइंट पे क्या था? क्या था? के क्यू बाय ए क्यू इज स्मॉल आर। अरे इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए क्या होगा? के क्यू बाय ए क्यू इंटू स्मॉल आर। भैया यही आया था ना? अरे भाई अब भी तो ड्राइव के पीछे नोट्स खोल के देखो कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे किसी इनसाइड पॉइंट पे रो के टर्म में क्या आया था? रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, राइट? और इसके टर्म में क्यूबिक टर्म में क्या आया था? के क्यू बाय ए क्यू इनटू स्मॉल आर। कुछ याद आ रहा है? पक्का? ओके। सो हमको अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। अब हम इधर जा रहे हैं, सो डीवी इक्वल टू, हमको ए पॉइंट पोटेंशियल निकालना है, हम ए से पी इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? हम पहले लिखते हैं डीवी इक्वल टू माइनस ई आर डी आर। हम जा रहे हैं ए से पी, ई भी आ रहा है ऐसे भी, प्लस चार्ज है, ई भी उधर है, डी आर उधर है, ई उधर कितना एंगल? 0 डिग्री। सो इट विल बी माइनस ई इनटू डी आर, बिकॉज़ अंदर बिटवीन ई एंड डी आर इज 0 डिग्री। ई इनटू डी आर इनटू cos 0, cos 0 1। सो डी बी इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब किसी भी पॉइंट पी पे, किसी भी पॉइंट ए पे, और ए यहां पे फिक्स पॉइंट है, अगर ए से पी बीच का कोई पॉइंट ले लो डिस्टेंस आर पे, तो वहां पे क्या होगा? चलो हम कोई एक्स पे लेते हैं। अगर यहां से किसी डिस्टेंस एक्स पे जाएंगे तो वहां पे फील्ड क्या होगा? अगर यहां से कोई पॉइंट लेते हैं एक्स, ये मानते हैं कोई वेरिएबल पॉइंट है सी, तो यहां पे फील्ड क्या होगा? के क्यू बाय ए क्यू इंटू एक्स, यस और नो? सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? के क्यू बाय ए क्यू इंटू एक्स इंटू डी एक्स, हम से डी एक्स बढ़ते। अब वी हमको निकालना है डेल्टा वी। एक्स कहां से कहां तक? आर से लेकर ए तक। हमको ए से पी तक जाना है, ये डिस्टेंस कितना मिल गया है? आर। एक्स कहां से कहां तक? आर से लेकर पी तक। हमको निकालना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी, वीपी माइनस वीए निकालना है। डेल्टा वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जा रहा है ए से पी, हमको निकालना है वीपी माइनस वीए। हम कहां कहां जा रहे हैं? आर से लेकर ए तक। एक्स का लिमिट क्या रख देंगे? आर से लेकर ए तक। एम आई क्लियर? अंदर कोई दिक्कत नहीं? ओके, ये आप लोग लिख लिया होगा, इसको मिटा रहा हूं। अब डेल्टा भी क्या हुआ? वी फाइनल, वी फाइनल मतलब फाइनल पॉइंट पी माइनस वी इनिशियल एट पॉइंट ए, मतलब ए से पी तक जा रहा है, इक्वल टू माइनस के क्यू बाय ए क्यू इंडिकेशन ऑफ एक्स डी आर।
आर टू ए, इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय टू, उसको रख देते हैं, सो आएगा वीपी, वीपी कितना है मेरा के क्यू बाय ए, व्हाट इज वीपी दैट इज के क्यू बाय ए माइनस वी ए, हमको निकालना है, दिस इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय ए क्यू, लिमिट एक्स स्क्वायर बाय टू में से यहां पे टू बाहर ले लिए, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एम आई क्लियर, ओके दिस इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय टू ए, माइनस के क्यू बाय टू ए प्लस के क्यू बाय टू ए क्यू इन टू आर स्क्वायर, सो व्हाट इज वी ए, इस सबको इधर ले आते हैं, इसको इधर लाए, वी ए इक्वल टू के क्यू बाय ए प्लस के क्यू बाय टू ए माइनस के क्यू बाय टू ए क्यू इन टू आर स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, देखो हमने क्या किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमको पोटेंशियल सरफेस पता है के क्यू बाय कर पॉइंट जाकर बिहेव करता है, पोटेंशियल सरफेस क्या है के क्यू बाय ए, हमको अंदर किसी पॉइंट पे निकालना है पॉइंट ए पे जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, हमको अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है इन टर्म्स ऑफ क्यू, वो क्या था के क्यू बाय ए क्यू इंटू स्मॉल आर था, तो हमने लिखा डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ओ से पी की तरफ, हम जा भी रहे हैं ओ से पी की तरफ बिकॉज हमको ए से पी आना है, तो ई और डी आर में जीरो डिग्री है, मैंने लिखा माइनस ई इंटू डी आर इंटू कॉस जीरो कॉस जीरो वन, सो माइनस ई इंटू डी आर, अब किसी पॉइंट ए से पी के बीच किसी पॉइंट कोई सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिस्टेंस से एक्स है, सी का डिस्टेंस अगर ओ से एक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू बाय ए क्यू इंटू एक्स डी एक्स, हम यहां से यहां तक आ रहे हैं, सो अब इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, ए से लेके पी जाएंगे तो एक्स कहां से कहां तक, आर से लेकर ए तक, फाइनल कहां है पी, फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा वी होता है माइनस इनिशियल, अब बस इसको सॉल्व किया, क्लियर, अब मैं यहां पे मिटा रहा हूं इस साइड, सो व्हाट वी गॉट पोटेंशियल एट पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू थ्री के क्यू बाय टू ए, दोनों को ऐड किए थ्री के क्यू बाय टू ए माइनस के क्यू बाय टू ए क्यू इंटू आर स्क्वायर, के क्यू बाय टू ए क्यू इंटू आर स्क्वायर, सो अब हम उसको थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करते हैं, हमने क्या ले लिया कॉमन के क्यू बाय टू ए क्यू, यहां क्या बचेगा थ्री ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एम आई क्लियर, सो इस पोटेंशियल एट एनी इनसाइड के क्यू बाय टू ए क्यू इंटू थ्री ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक से देखो ये किसी अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल है पक्का, सो ये आपको याद रखना है, इतना ड्राइव करने का टाइम नहीं होता है, सो अंदर किसी पॉइंट पोटेंशियल क्या हुआ के क्यू बाय टू ए क्यू इंटू थ्री ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहां पे ए क्या है इट इज अ स्क्वायर आर, उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ये किस पॉइंट के लिए है इन साइड, क्विट आउट, सो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर ऑफ सॉलिड मोमेंटम स्फीयर, सेंटर पोटेंशियल क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेंटर, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, तो इसके लिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, इफ यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसके लिए स्मॉल आर क्या है जीरो, सो पुट आर इक्वल टू जीरो, सो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ विल बी इक्वल टू के क्यू बाय टू ए क्यू इंटू थ्री ए स्क्वायर, सो ये सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसका 1.5 टाइम्स है, ये रिजल्ट बहुत यूज होता है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे कितना था? के क्यू बाय ए. यहां सेंटर पे कितना आया? 3/2 के क्यू बाय ए. एम आई क्लियर? तो उसका 1.5 टाइम्स आया. तो ग्राफ क्या होगा? अगर हमको प्लॉट करना है वी वर्सेस आर, यहां पे आर है, यहां पोटेंशियल है, कितना है 3/2 के क्यू है, 3 के क्यू बाय 2 है. अब बताओ ये क्या शेप होगा? ये पैराबोला है कि नहीं? देखो ये कांस्टेंट है समथिंग माइनस, अगर इसको देखोगे तो अगर इसको वाई मानते हैं, इसको एक्स मानते हैं, कि क्या है पैराबोला है कि नहीं है? अरे सब कांस्टेंट है, मैथ्स का स्क्वायर है. हम तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, अच्छा कुछ तो मैथ्स के नहीं. अरे वाई है ये एक्स स्क्वायर माइनस एन, पैराबोला होगा नहीं? डाउनवर्ड पैराबोला. मैं पैराबोलिक हुआ कब तक? आर इक्वल टू ए तक. ऐसा और यहां कितना पोटेंशियल हो गया? के क्यू बाय ए. यहां कितना हुआ पोटेंशियल? ए सरफेस तक आ गया, के क्यू बाय ए. और इसके बाद क्या हो जाएगा? एक बेस लगेगा पॉइंट चार्ज, यहां अपना ग्राफ अपना नेचर चेंज करेगा. यहां पोटेंशियल क्या है? प्रोपोर्शनल टू 1/r. और यहां पे ये वाला है. सो यहां से यहां तक ये पैराबोलिक है. इसके बाद हाइपरबोलिक टाइप हो गया. अरे हाँ रे, कुड़ाउट. सो पोटेंशियल अंदर के पॉइंट पे कुछ पैराबोलिक है, डाउनवर्ड पैराबोला है, ये इक्वेशन से दिख रहा है. उसके बाद ये हाइपरबोलिक है. मैक्सिमम कहां पे है? सेंटर पे. लॉजिकल है भाई, जब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो एज वी गो आउटवर्ड पोटेंशियल डिक्रीज. रिपीट कर तो रहा है, सही है? पोटेंशियल डिक्रीज करना चाहिए ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, दिख रहा है हमको. एम आई क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन करते हैं. बहुत करवा लीजिए. इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम, टनल प्रॉब्लम. मानते हैं हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था ऑफ रेडियस आर. यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, उसके अंदर हमने सेंटर से पास करता हुआ एक थिन टनल डिग कर दिया. व्हाई आई एम टेलिंग थिन? तो आप मान सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है. ये इतनी थिकनेस इतने कम है, डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग यूनिफॉर्म मान सकते हैं. इस पे टोटल चार्ज कितना है? क्यू. टोटल चार्ज कितना है? क्यू. अब हमने यहां पे एक स्मॉल चार्ज क्यू रखा सरफेस पे. क्वेश्चन क्या है? वी हैव uniformly charged solid non-conducting sphere. Solid non-conducting sphere of radius r. Radius r. पॉइंट चार्ज क्यू इज केप्ट एट द सरफेस ऑफ स्फीयर. टनल थिन है, ये थिन टनल है. मैं सब कुछ लेंगे, बहुत टाइम लगेगा. थिन टनल है. देन माय क्वेश्चन इज फाइंड व्हाट मिनिमम स्पीड. फाइंड व्हाट मिनिमम स्पीड should be given to charge Q
एट पॉइंट ए सो दैट इट रीचेज पॉइंट बी. पॉइंट बी इज डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द सरफेस. तो हमको यहां पे क्या जब भी मिनिमम कि पॉइंट बी पे पहुंच जाए. ऑप्शन ए अंडर रूट के क्यू क्यू बाय एम आर. ऑप्शन बी जीरो. ऑप्शन सी अंडर रूट के क्यू क्यू बाय टू एम आर. ऑप्शन डी अंडर रूट टू के क्यू क्यू बाय एम आर. ऑप्शन ई नॉट. फटाफट हमको उस चार्ज को मिनिमम कितना स्पीड देना चाहिए कि वो वहां पे पहुंच जाए. ये सब क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में. हो गया सिंपल. ऐसा हम लोग किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि इंपोर्टेंस करते थे कितना मिनिमम अप्रोच कितना मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस होगा वहां पर आपके स्पीड का सब कुछ करवा चुके. एनर्जी कंजर्वेशन करके यूज करके याद है. ओके सेम थिंग है बिल्कुल. ध्यान दीजिए. अगर हमने पॉइंट चार्ज को रखा ये इन्फॉर्मिंग चार्ज प्लस क्यू चार्ज पे फील्ड किधर है. यहां पे फील्ड इधर है और यहां फील्ड इधर है. सो अगर हम इसको यहां पहुंचा दे ओ पे तो ओ से भी खुद जाएगा नहीं जाएगा. ऐसा मैं क्वेश्चन टेस्ट में लिया था. अच्छा क्वेश्चन था. सो इसके बाद फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया बी की तरफ. सो अगर एक बार ये ओ पे पहुंच जाए ओ से बी ये खुद पहुंच जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स बी. अब चार पॉइंट लेगा लेकिन ए से ओ तक इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है मीन्स ये रिपेल कर रहा है और सिस्टम से एक ही फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो यू कैन यूज यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू आर प्लस के एफ. ऐसा बहुत क्वेश्चन किए हम लोग कहते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो वहां पे भी आपको कौन सा काम है भी इसे का यूज करेंगे. वहां पर हमने रिंग कार्ड किया डिस्क कार्ड किया कौन सा कार्ड था यहां पे स्फेर कार्ड करेंगे. तो यू आई क्या है यहां का पोटेंशियल के क्यू बाई ए इंटू चार्ज. ये सर हमको पता मानते हैं भी लेना है तो हाफ रखिए. हमको कहां पहुंचा देंगे ओ तक. अगर हम ओ तक पहुंचा देंगे बी खुद आ जाएगा जो ए से बी लगाएंगे ना वो गलती हमारा स्पीड जो आ जाएगा. अरे भाई हमको ओ तक ही पहुंचाना है ओ से भी तो खुद आएगा. सो यू एफ क्या होगा पोटेंशियल एट सेंटर अभी की है 3/2 के क्यू बाई इनटू चार्ज. और यहां पे जस्ट पहुंचा दे जस्ट स्पीड मोर देन जीरो होगा. ये जस्ट मतलब थोड़ा सा स्पीड से बिल्कुल जीरो भी नहीं हो जाएगा. जीरो हो जाएगा तो यहां पे नेट फोर्स जीरो है. सो इक्वल टू नहीं होगा ग्रेटर देन होगा दैट मैं आ रहा हूं. सो जीरो यहां पे स्पीड जीरो से स्लाइटली ग्रेटर हो. यहां पे अगर जीरो हो जाएगा स्पीड यहां पे नेट फोर्स क्या है सेंटर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था जीरो. यहां नेट फोर्स जीरो होगा फिर यहां आगे जाएगा ही नहीं. तो स्पीड से स्लाइटली ग्रेटर जीरो. अगर एक बार यहां से इधर आ गया तो खुद आ जाएगा राइट. ओके सो अब यहां से कर लो सॉल्व. हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय टू ए. के क्यू क्यू बाय टू ए. अरे हाँ नहीं ओके सो टू गॉट का आंसर. सो वी मिनिमम आ गया के क्यू क्यू. यहां पे ए नहीं हमने आर दिया है सॉरी तो आर यूज करो. के क्यू क्यू बाय एम आर. सो इक्वल साइन होगा आवर वी शुड बी ग्रेटर देन ये वी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन दिस. ऐसा भी आया हम लिखते हैं आवर वी शुड बी ग्रेटर देन दिस टू रीच पॉइंट बी. इससे स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए. इक्वलिटी साइन होल्ड नहीं करेगा. एम आई क्लियर को डाउट है नहीं. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. चलो बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन देते हैं. अगर यहां पे हम एक माइनस क्यू चार्ज रखते हैं और बांस है अगर उसको छोड़ देंगे वो खुद अंदर आ जाएगा बिकॉज फोर्स कर लेगा. माय क्वेश्चन इज फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज एट पॉइंट ओ.
फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज एट पॉइंट ओ. फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज एट पॉइंट ओ. एम आई क्लियर? यू हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज एट पॉइंट ओ. हमने यहां पे इसको जस्ट रिलीज कर दिया. रिलीज माइनस क्यू इज रिलीज एट पॉइंट ओ, सॉरी पॉइंट ए. रिलीज एट पॉइंट ए. तो फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज एट पॉइंट ओ. सेंटर पे उसका स्पीड क्या होगा? ओके, ऑप्शन ए अंडर रूट ए क्यू क्यू बाय, ऑप्शन बी जीरो, ऑप्शन सी अंडर रूट के क्यू क्यू बाय टू, ऑप्शन डी. फटाफट यू हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ नेगेटिव चार्ज क्यू एट पॉइंट ओ. सेंटर ऑफ स्पेस पर उसका स्पीड क्या होगा? सिंपल, विल यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ. यहां पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी. यहां पोटेंशियल क्या है? के क्यू बाय आर. सो के क्यू बाय आर इंटू माइनस क्यू. क्या है इंग्लिश? क्या है स्पीड? जीरो इज इक्वल टू यू एफ. यहां पोटेंशियल क्या है? थ्री बाय टू के क्यू बाय आर इंटू चार्ज प्लस के एफ. हमको निकालना है, मान लिया हाफ एम बी स्क्वायर. बिल्कुल सेम टाइप आ गया ना. सो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? माइनस के क्यू क्यू बाय आर प्लस थ्री बाय टू के क्यू क्यू बाय आर. आंसर फिर से सेम आ जाएगा. आंसर फिर से क्या होगा? अंडर रूट के क्यू क्यू बाय एम आर. बिल्कुल सेम आ जाएगा. क्लियर? अब मुझे बताओ कि ये चार माइनस क्यू यहां पे रुक जाएगा क्या? रुकेगा क्या? नहीं. क्यों? कि यहां पे जब आएगा तो उस पर नेट फोर्स जो है उसको स्पीड गेन कर लिया उसने. जब वो सेंटर पे आया उस पर इतना स्पीड है, इस डायरेक्शन में वी है. जब इस डायरेक्शन में वी है तो इधर जाएगा. बताओ यहां पे इसका स्पीड क्या होगा? वी पे फिर से जीरो होगा. क्यों? बिकॉज जो पोटेंशियल यहां था वही पोटेंशियल यहां है. यू आई इक्वल टू यू एफ हो जाएगा तो के आई इक्वल टू के एफ हो जाएगा. एम आई क्लियर? So, हमने अगर माइनस क्यू को रिलीज किया सरफेस से ए पे तो वो सेंटर पे आके रुका नहीं. वो सेंटर पे आया, इस पे नेट फोर्स जीरो है बट उसका स्पीड है, स्पीड कारण वो बी तक आया. जब बी पे आया उसका स्पीड जीरो. अब ये माइनस क्यू बी पे आके स्पीड जीरो. यहां रुकेगा क्या? नहीं. बिकॉज अब यहां पे फील्ड किधर है? इधर. और चाइल्ड फिर से इधर फोर्स लेगा, फिर इधर जाएगा, इधर से ऑसिलेट करता. Am I clear? So this charge minus Q will oscillate inside tunnel. Am I clear? अगर हमने माइनस क्यू को यहां से रिलीज किया, यहां पे इस पे इधर फोर्स लगा था, फोर्स कार्ड यहां पे, यहां पे इसका स्पीड हो गया अंडर रूट के क्यू बाय एम आर. यहां पे स्पीड कार्ड इधर जाएगा, जब इधर आएगा इस पे फोर्स किधर लग रहा है? अब पूरी डायरेक्शन में चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी तरफ है. तो यहां पर इसका स्पीड जीरो हो जाएगा. और यहां पर स्पीड जीरो हुआ बट फोर्स उधर, यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो ये इधर जाएगा और ये ऑसिलेट करता रहेगा. अब ये ऑसिलेशन सचिन है या नहीं है? ऑसिलेट करेगा पक्का है. अब ये स्ट्रक्चर है कि नहीं हमको चेक करना पड़ेगा. और ऑप्शन का सिस्टम होता नहीं है. सो यू हैव टू चेक दैट ऑसिलेशन इज एसएचएम और नो, सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है, वो हमें चेक करना है. चेक करते हैं. So, हमें अब चेक करना है कि ऑसिलेशन एसएचएम है या नहीं. चलो हम कोई एक डिस्टेंस एक्सिस, हम यहां पे ये है ना, यहां पे क्या है? नेट फोर जीरो. एक प्रॉब्लम है, हम यहां से एक्स डिस्प्लेस कर देते हैं ये डायरेक्शन. और यहां पे चार्ज माइनस क्यू रखते हैं. हम एक नया क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं आपको. हमने चार्ज माइनस क्यू, चलो प्लस क्यू होगा. यहां पे हमने चार्ज माइनस क्यू सेंटर पे रख दिया जिसका मास एम है.
हमने चार माइनस क्यू को सेंटर पर रखा, उसका मास क्या है एम, यहां पे नेट फोर्स क्या है जीरो, और उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे इस तरह से हमें फोर्स लगेगा इधर, कितना स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल, अगर हम इसको इधर डिस्प्लेस किए फोर्स लगेगा टुवर्ड्स सेंटर, सो अगेन इट विल गो टुवर्ड्स सेंटर, सो दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, सो एट पॉइंट ओ माइनस क्यू विल बी एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम यहाँ पे फोर्स देखते हैं, इसको एक्स डिस्प्लेस किए तो यहाँ पे फोर्स क्या रहेगा, तो आज सेंटर से माइनस साइन क्यू इंटू ई क्या है अभी निकाले हैं के क्यू बाय आर क्यू, याद आ रहा है ना, अरे अंदर के पॉइंट पे फील्ड क्या था रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, या इन टर्म्स ऑफ दिस ये क्या था के क्यू बाय आर क्यू, अरे था कि नहीं के क्यू बाय आर क्यू, सो फील्ड के क्यू बाय आर क्यू, सो के क्यू बाय आर क्यू इंटू एक्स, सो के क्यू बाय आर क्यू इंटू एक्स, सो फोर्स क्या हो गया मेरा माइनस के क्यू क्यू बाय आर क्यू इंटू एक्स, देखो फोर्स ऑप्शन टू एक्स, ये सब कांस्टेंट है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर क्यू सब क्या है कांस्टेंट, मींस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, अगर इनको सेंटर से एफ डिस्प्लेस करते हैं एफ और एक्स प्रोपोर्शनल है तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट दैट एम बाय कांस्टेंट, सो सिस्टम करेगा सो इट परफॉर्म्स एज सच दैट इज 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यू बाय, अब मत बोलना बेवसाई वाले कि हमको नहीं आता, आपको हम इस टाइम का वीडियो दिए हैं तो देखे हो कि नहीं पता है, सिर्फ टाइम का क्वेश्चन 2 पाई रूट एम आर क्यू बाई के क्यू क्यू क्यू, एम आई क्लियर, सो अगर हमने चार माइनस क्यू यहां रिलीज किया था ऑसिलेट कहा था क्वेश्चन क्या था एस एच एम था, अब बताओ ये एस एच एम क्या फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है या हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए है, इसमें मैंने अजम्पशन लिया कि एक्स छोटा है नहीं, अगर हम इसके अंदर टनल के अंदर का हम डिस्प्लेस करेंगे फोर्स ऑप्शन टू एक्स, टनल के बाहर है तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला कहां है टनल के अंदर, इस पर फॉर्म्स स्टेम फॉर एक्स माइनस आर टू आर, एक्स माइनस आर से लेकर आर तक, तो देखो अब क्वेश्चन देता है परफॉर्म फॉर ऑल एक्स, आपको मान लेना है क्योंकि वो अंदर की बात करेगा टनल में ही रहेगा वो बाहर तो हवा में तो रहेगा नहीं, तो अगर देखा फॉर ऑल एक्स आपको आंसर टिक कर देना है, रियल में ये एक्स यहां से यहां तक है बट ये कुछ समझना लॉजिकली वही बोल रहे हो, भावना समझना है क्योंकि अरे चार टर्म के अंदर ऑसिलेट कर रहा है बाहर तो है नहीं, तो आपको मान लेना है टिक कर देना है, ठीक है रियल में कहां से स्टेम कर रहा है एक्स माइनस आर से लेकर आर तक, मतलब इसके अंदर हम कहीं सिग्नल को छोड़ देंगे स्टेम करेगा, एम आई क्लियर, ये है मेन पॉइंट ये है स्टीम पॉइंट, यहां पे स्पीड जीरो यहां पे स्पीड जीरो, गुड आउट पक्का ना, सो हमने जो लास्ट में देखा था कि यहाँ पे अगर माइनस क्यू को रिलीज करते हैं तो ऑसिलेट करता है, ऑप्शन क्या है एसएचएम, एसएचएम का टाइम पीरियड क्या है हम लोग देखें 2 पाई रूट एम आर क्यू बाय के क्यू क्यू, क्लियर ओके नेक्स्ट, अच्छा अगर प्लस क्यू रखते क्रम क्या होता है स्टूडेंट अनस्टेबल, प्लस क्यू रखते अगर हम उस सेंटर पे टनल के अंदर, मैं बात करूं टनल बहुत थीन है मतलब आपको मानना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा ही बिल्कुल आता है व्यवसाय पे टनल प्रॉब्लम, अर्थ के अंदर टनल डिप जैसे के अंदर टनल डिप कर दिए, अब यहां पे प्लस क्यू रखते तो इसका तुम क्या वर्षों ना इस टाइप पे चार्ज कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू दिया हुआ है, अब भी फिर इधर होगा अगर हम इसको यहां से डिस्प्लेस किए यहां पे लाए इस पे फोर्स नहीं लगेगा तो टर्म क्या है अनस्टेबल, क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सो ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर वहां प्लस की बात करते हैं एम आई क्लियर गुड आउट नहीं ओके हाँ अगर यहां पे माइनस क्यू चार्ज देते तो फिर का डायरेक्शन चेंज हो जाता उस केस में क्या हो जाता स्टेबल,
सिर्फ आपको अब समझ में आता है, मतलब सेम, मतलब सेम थिंग अलग अलग टाइप का होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरा ट्रंक सेंटर से पास कर, फिर से हमने थिन तरह डिप किया है बट ऊपर में, सेंटर से ऊपर ये डिस्टेंस को आया, रेडियस इसका आर, लेकिन अब यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर हैविंग टोटल चार्ज प्लस क्यू, हैविंग टोटल चार्ज प्लस क्यू एंड रेडियस आर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर हैविंग टोटल चार्ज प्लस क्यू एंड रेडियस आर, अ टनल इज एट डिस्टेंस वाई अबव द सेंटर, हमने उससे y डिस्टेंस ऊपर एक टनल डिग कर दिया, टाइम भी हो रहा है, फटाफट खत्म करना है। अब फिर से सेम क्वेश्चन, अगर हमने चार्ज q माइनस q और मास m को रिलीज किया, फॉर एज इज स्पीड एट पॉइंट, ये मान लीजिए a है, ये b है, फॉर एज स्पीड एट पॉइंट c, पॉइंट इज जस्ट अबाउट द सेंटर, अ चार्ज माइनस q, अ चार्ज माइनस q having mass m is released at point A, then find its speed when charge reaches just above the center. सिंपल फॉर्मूला पुटिंग है, पॉइंट सी पे पहुंचता है, नहीं ऑप्शन मिल गया, नंबर ऑप्शन हो गया, फिर से सेम करेगा, हमने यहां से रीच किया, यहां पे स्पीड पूछा तो पोटेंशियल लगाते हैं, यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के, इनिशियल कहां पे है, यहां पे, फाइनल सी पे, यू आई क्या है, यहां पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट ए के क्यू बाई ए आर, पोटेंशियल एट पॉइंट से के क्यू बाई टू आर क्यू थ्री आर स्क्वायर सेंटर से डिस्टेंस वाई, एम आई क्लियर, अब वहां पे वो सेंटर नहीं, आपने सब थ्री बाय टू के क्यू बाई आर मत लिख लेना, वो क्या है के क्यू बाई टू आर क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिस्टेंस ही वाई है, ये पॉइंट क्लियर, बस यही तो था, पिछले बार सेंटर पोटेंशियल क्या था, थ्री बाय टू के क्यू बाई आर, अब वहां पे पोटेंशियल है के क्यू बाय टू आर क्यू इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, अब यहां के लिए तो यू आई, यू आई क्या होगा, माइनस के क्यू क्यू बाय आर, क्या है रिलीज किया जीरो, यू एफ माइनस के क्यू क्यू बाय टू आर क्यू 3r आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, अब भी निकालो सॉल्व क्लियर, अब यहां से बस आपको v निकाल लेना, मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूं, ओके, देख लेना क्योंकि मैं जब सबको समझा मैं कैसे हो जाता हूं, तो सॉल्व नहीं करना है तो मैं कैसे हो जाता हूं, देखना कुछ कब मिस्टेक नहीं किया हूं, कुछ वैल्यू पुटिंग में नहीं लग रहा है, ओके, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन जो मुझे करवाना है, अब हमने माइनस क्यू को यहां से रिलीज कर दिया, यहां पे रख दिया, बस रखा, तो ये रेश में रहेगा, यहां पे इस पर नेट फोर्स लग रहा है, इस पर नेट फोर्स क्या होगा, टनल में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नीचे राइट, और घर्षण फोर्स एम जी नीचे नॉर्मल ऊपर राइट, मास एम है अगर, तो यहां पे अगर हमने रखा है इसको, तो यहां पे स्टेप फोर्स चलेगा, नेट फोर्स जीरो होगा, okay. अब इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, अगर हम इसको यहां से स्लाइटली डिस्प्लेस किया, यहां पे इक्वल में नेट फोर्स जीरो है, है या नहीं, अरे हाँ या नहीं, ये अगर पॉइंट सी पे है उसका एफबीडी बनाओ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से रेडली आउट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो मैं इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे जाएगा,
एम जी इधर लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, सो यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, क्यू ई प्लस एम जी। ई कितना होगा, कितना है वाई, ठीक है। यहाँ पे ई क्या होगा, अभी निकाला है के क्यू बाय आर क्यू इंटू वाई। अरे अंदर के पॉइंट पे फील्ड क्या था, के क्यू बाय कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर, यही था ना फील्ड, वही तो कर रहे हैं। ऐसे देखते चलते क्या कर दिए, कोई दिक्कत दे। ओके, अब क्वेश्चन ये है, एक चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट सिक्स, फ्रॉम पॉइंट सिक्स देन ए इट परफॉर्म्स एस एच आर। बी मोशन विल बी ऑसिलेटरी, मोशन विल बी ऑसिलेटरी बट नॉट एस एच आर। सी मोशन विल नॉट बी ऑसिलेटरी, मोशन विल नॉट बी ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी कांट से क्या हम इसको डिस्प्लेस कर दिया है उसे, टनल के अंदर के टनल बाहर नहीं जा रहे हैं, टनल के अंदर की बात कर रहे हैं आप लोग, ये आपको इतना रिज्यूम करना है। सो चार्ज हैव बीन डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट से विद द फॉलोइंग इज करेक्ट, हो गया। चलो अब मैं करता हूं, इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, कोई डिस्प्लेस हम एक्स डिस्प्लेस कर दिया, टनल के अंदर हम यहां से एक्स डिस्प्लेस कर दिया, चार्ज माइनस क्यू के यहां ये डिस्टेंस एक्स। सो अब यहां पे इसका एफबी मान, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे किधर होगा, इधर रेडली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा इधर, तो हम यहां पे इसका को एफबी बनाते हैं स्लाइटली, यहां पे हम अलग से फिगर बना रहे हैं, ये O है, ये C है, मान लीजिए पॉइंट P है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन Q इंटू E, नॉर्मल ऊपर mg नीचे। सो इस पे एक तो नॉर्मल और mg मिलके साथ ये वर्टिकल फोर्स बनाएगा, वर्टिकल से मूव नहीं करता, वो टनल है, सॉलिड टनल है, उसको पेंटेड कर सकता है, तो वर्टिकल वो मूव करेगा सिर्फ अलोंग द टनल, तो उधर नेट फोर्स क्या होगा, ये एंगल थीटा है, तो उस पे नेट फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन में, क्यू साइन थीटा। तो पहली बार फोर्स इधर है, तो रिस्टोरिंग फोर्स है, मोशन इज ऑसिलेटरी, अगर हम उसको एक्स डिस्प्लेस कर रहे हैं, फोर्स अगेन लग रहा है टुवर्ड्स सी, सो मोशन इज ऑसिलेटरी, ये पार्ट क्लियर है। वर्टिकल में तो नेट फोर्स जीरो होना है, बिकॉज वर्टिकल में मूव कर सकता है, सॉलिड टनल उसको पेनिट्रेट करेगा नहीं, तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ अलोंग द टनल, फोर्स इज टुवर्ड्स सी। अगर इधर ही करोगे सो इधर भी फील्ड रेडली आउटवर्ड, अगर इधर फील्ड आएगा रेडली आउटवर्ड, फोर्स लगेगा टुवर्ड्स ओ, सो अगेन टुवर्ड्स टनल है, टुवर्ड्स पॉइंट सी है, मतलब मोशन ऑसिलेटरी बिकॉज फोर्स इज रिस्टोरिंग, चाहे आप इधर डिस्प्लेस करो ए की तरफ या बी की तरफ, फोर्स रिस्टोरिंग है। अरे यार क्या मतलब, यहां भी दिखा देख इधर, अगर इधर डिस्प्लेस किए सो फील्ड किधर होगा, मान इधर एक्स की ये सी है, फिर इधर है फोर्स इधर, इसका कंपोनेंट अगर ये एंगल थीटा है, ये कंपोनेंट इधर ही आएगा ना, सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज टुवर्ड्स सी, फोर्स ये स्टोरिंग है, मींस मोशन विल बी ऑसिलेटरी, ये पार्ट क्लियर है, बस सिर्फ है कि नहीं पता नहीं। तो नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स विल बी, आई एम पुटिंग माइनस साइन बिकॉज हमने एक्स उधर पॉजिटिव माना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, माइनस क्यू ई साइन थीटा। अब मान लीजिए डिस्टेंस आर है, ये एक्स है ये वाई है, डिस्टेंस हमने मान लिया सेंटर से आर है, तो यहां पे फील्ड क्या होगा, माइनस क्यू के क्यू बाय कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर, रहने
इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था ना, पर आर इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, क्योंकि टर्म में था के क्यू बाय कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर, स्मॉल आर वाज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर इंटू साइन थीटा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू बाय आर क्यू और ये आर साइन थीटा। अगर ये ठीक, अगर ये ट्रायंगल में देखो ये कुछ पॉइंट पी है, इन ट्रायंगल ओसीपी साइन थीटा इक्वल टू P by H, so R sin theta equal to X, ये क्या गया? ये तो R sin theta is equal to X आ गया, means force is proportional to displacement फिर से आ गया, so it perform SHM, ये tunnel के अंदर, मतलब X कहाँ से कहाँ था? Under minus under root R square minus Y square से plus under root R square minus Y square. It performs SHM and time period is 2 pi under root m by that constant m r q k q q 2 pi root m r q by k q q, so it performs SHM. kya hai? It performs SHM. So charge performs SHM. मिटाए या आप लोग छाप लिया ना, सो इट परफॉर्म्स एस एच आर, सो चार्ज परफॉर्म्स एस एच आर फॉर एक्स माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू। अब फिर से ध्यान देना, हमने कोई स्मॉल एक्स नहीं लिया है, अगर आपको बोलेगा फॉर ऑल एक्स अब मार देना, बट ट्रायंगल के अंदर की बात कर, ट्रायंगल के अंदर कैविटी स्पेस करते कि टू परफॉर्म एसएचएम। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में मिटा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू, एक्टिंग ऑन माइनस क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू। ऑप्शन ए इट इंक्रीजेज एज वी मूव्स away from C, B, it decreases, समझ लो लैंग्वेज, as we moves away from C, सब कुछ सेम थिंग है, see, it remains constant, समझ रहे हो आप लिखना अच्छे से, पहला क्या है, it increases as we move away from C, option B, it decreases as we move away from C, option C, it remains constant as we move away from C, हम सब कुछ बात कर रहे हैं टनल के अंदर, डी इट फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम पॉइंट सी, मतलब अगर माइनस क्यू को हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, सो उस पर नॉर्मल क्या होगा, अगर हम सी से इधर जाते हैं नॉर्मल बढ़ेगा, सी से इधर सी की तरह कंटिन्यूसली इंक्रीजेज कंटिन्यूसली डिक्रीजेज, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, फटाफट फटाफट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, जल्दी करो, ओके मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिए नॉर्मल आ रहा है, अब हम फिर से एफबीडी बनाए थे, इसका बनाते हैं एमबीडी, किसी डिस्टेंस एक्स पे एमजी इधर लग रहा था, नॉर्मल इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, ये एंगल थीटा, सो नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा, एमजी प्लस क्यूई कॉस थीटा, मतलब यहां देखते हैं भाई थीटा चेंज कर रहा है वेरिएबल होगा, ये देखते ही मार लेते हैं, बट ऐसा नहीं है,
ई क्या था, के क्यू बाय आर क्यू इंटू स्मॉल आर, वेंडिशन स्मॉल आर था ना, ई क्या था, के क्यू बाय कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर। ओके तो रखो एम जी प्लस क्यू ई के क्यू बाय कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर कॉस थीटा। अब बताओ आर कॉस थीटा इस ट्रायंगल में कहीं भी जाओ आर कॉस थीटा हमेशा क्या होगा, अगर आप सी से ए तक कहीं भी चले जाओ आर कॉस थीटा क्या होगा, ऑलवेज वाई। अरे हाँ नहीं, बिकॉज कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, सो दिस आर कॉस थीटा इज कॉन्स्टेंट इज वाई, सो नॉर्मल इज एम जी प्लस के क्यू क्यू बाय आर क्यू इंटू वाई। सब कुछ तो कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट, जी कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट, कैपिटल के कॉन्स्टेंट, स्मॉल के कॉन्स्टेंट, ठीक से देखो आर कॉन्स्टेंट वाई कॉन्स्टेंट। सो अगर हम ए से सी जाएं, सॉरी सी से ए जाएं या सी से बी जाएं, कॉन्स्टेंट है तो नॉर्मल कॉन्स्टेंट है वेरिएबल कॉन्स्टेंट, ये पार्ट क्लियर। सो हमने सॉलिनॉइडिंग स्थल का इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल कर लिया, अब इसका सेल्फ एनर्जी बचा हुआ है, अभी थोड़ा समझना है तो अभी लास्ट यूनिट नहीं करवाना चाह रहे हैं। सो अगले क्लास में हम स्फीयर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा अभी क्या बचा हुआ है, अरे बचा हुआ है कैविटी वाला, सब कुछ बचा हुआ है ना, नॉइंग फॉर्म जाकर करवाएंगे, फिर कैविटी करेंगे, कैविटी को अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, तो अगले क्लास में मेनली हम लोग सारा कुछ कैविटी करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले जो आपको हम करवाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर कंटेनिंग कैविटी, आप रिवाइज करके आना, इलेक्ट्रिक फील्ड टू लॉन्ग सिलिंड्रिकल चार्ज सॉल्यूशन आपको हम करवा चुके हैं, सॉलिड सिलेंडर में कैविटी था वो आपको रिवाइज करके आना, बिल्कुल सेम थिंग हम यूज करेंगे, उसके बाद फिर अच्छे से क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। ओके अभी दो पास और लगेगा, कोई बोला जो मैं खत्म होगा, जो मैं खत्म कर दूंगा, बस स्फीयर जो है उसका प्लेट में कुछ टाइम लगता नहीं है, मेन जो टाइम लगेगा स्फीयर में, स्फीयर में अभी टाइम लगेगा, स्फीयर में अर्थिंग करेंगे, कनेक्ट करेंगे उसे को, काफी कुछ करवाना है, और यहीं पे लोग जो मैं अगले क्लास में जो दो क्लास ना वहीं पे लोग ज्यादा परेशान होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट दो क्लास में करवाऊंगा, अगर आप क्लास समझ गए तो अच्छी बात समझ तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, वहां पे लोग ज्यादा परेशान होते हैं, बट आसान चीज है यार, अगर आप अभी तो सब कुछ समझ गए तो आगे कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान है। सो आपको अगले क्लास में सारा कुछ रिवाइज करके आना है, ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लिंक्ड है, आपको अगर सब कुछ रिवाइज किया हुआ रहेगा तो बहुत आसान रहेगा करना, सिर्फ एप्लीकेशन आप करते जाएंगे, एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देन बाय बाय बाय।